हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन। वेल, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गेट 2022 क्या पोस्टपोन होगा या नहीं होगा? लगातार ट्विटर पर बवाल मच रखा है, जैसे कि मैं डेली बता रहा हूं, फिर भी आज मैं लेकर के आया हूं। आज भी बहुत सारे ट्वीट हुए, अब क्या होगा? लगातार हम लोग IIT खड़गपुर के कॉन्टेक्ट में है, डेली आपको जानकारी दे रहे हैं क्या गेट 2022 पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। और आपको अभी इस समय क्या करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज क्लियर सब बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहले मैं कुछ ट्यूट आपको पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए और क्या रियली गेट 2022 पोस्टपोन होगा, क्या ट्यूट करने से कोई फायदा होगा, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, हम लोग लगातार ये डेली जानकारी लाते रहते हैं और IIT खड़गपुर के हम लोग लगातार डेली कॉन्टैक्ट में भी हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जैसा कुछ भी आता है हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और हमारे चैनल पर लगातार हर लगभग सभी IIT से स्टूडेंट अपना इंटरव्यू देते हैं कि इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। गेट में जिनकी बहुत अच्छी रैंक है उन्होंने भी अपने इंटरव्यू दिया, जो लोग अच्छी अच्छी जॉब्स में है, फॉरन में PhD कर रहे हैं, उन लोगों ने भी अपना इंटरव्यू हमारे चैनल पर दिया। यहां तक कि IIT के प्रोफेसर ने भी अपना इंटरव्यू हमारे चैनल में दे रखा है। तो ये सब जानकारियां लगातार हम लोग आपके पास पहुंचाते रहते हैं। प्लीज यार हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लगातार हम लोग ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए ट्विटर की बात करें, तो पहला ट्वीट मैं आपको पढ़ा दूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बाय नेक्स्ट मैं पढ़ के बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि गेट 2022 पोस्टपोन होगा या नहीं होगा और आपको अभी क्या करना है। तो चलिए पहला ट्वीट मैं पढ़ा दूं, देखिए लिखा हुआ है, आफ्टर 12 डेज 3 to 15 January ऑफ इंटेंस डिस्कशन ऑन वर्चुअल मीटिंग IIT खड़गपुर कम अप विद द वंडरफुल प्लान। गेट 2022 को कोरोना पीक में करवाते हैं, बच्चे कम आएंगे और टेंशन कम होगा। वाह, ये तो मीम है एक प्रकार का, कि उन्होंने कहा कोरोना पीक में करवाएंगे तो बच्चे कम आएंगे, तो ये तो एक प्रकार का मीम हो गया इसने के लिए। दूसरा मैं पढ़ता हूं जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा ट्वीट ये है, द ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज शुड गिव द एश्योरेंस ऑफ नॉट इंप्लाइंग इमीडिएट लॉकडाउन ऑन और बिफोर गेट 2022 एग्जामिनेशन ऑल ट्रांसपोर्ट शुड मूव स्मूथली। ये तो बिल्कुल सही बात है यार, इससे चिंता मत करो। अगर गेट एग्जाम अगर आपका लॉकडाउन में होता है तो कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन होगा और आप घर से ना निकल पाओ। IIT खड़गपुर है इतना तो जानता है, ऐसा जैसे कि पिछले बार भी हुआ था एग्जाम, तो ऐसा नहीं था आप एडमिट कार्ड दिखा करके जा सकते थे और एग्जाम दे सकते थे, तो ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा तो आपको एडमिट कार्ड देकर के एग्जाम देने दिया जाएगा। इंडिया है भाई, अब इतना भी वो लोग IIT खड़गपुर है ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा मैं पढ़ देता हूं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ पोस्टपोन गेट 2022, 51% स्टूडेंट्स वांट्स एग्जाम पोस्टपोन सर्वे। जैसे कि लोगों ने, बहुत लोगों ने ट्वीट पर किया, एक सर्वे भी होता, उसमें सब लोगों ने मांग रखी है कि गेट 2022 को एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। आप लोग हमारे कमेंट पर भी लिख सकते हैं क्या आप चाहते हैं, आपकी राय क्या है कि गेट 2022 पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूं अपनी बात पे, भाई देखो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानी जाए तो भाई गेट 2022 तो पोस्टपोन मुझे ऐसा लगता है नहीं होगा, क्योंकि भाई IIT जैम का जो एग्जाम कराया जा रहा है उसमें भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं और भाई जितना मैं जानता हूं IIT को, IIT इतनी जल्दी अपने प्लान को बदलता नहीं है, ठीक है। तो भाई इस चक्कर में मत कहीं रहिएगा, जो लोग भी गेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं चक्कर में मत रहिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पोस्टपोन नहीं हो सकता, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं, बट इस चक्कर में भी मत रहिएगा कि पोस्टपोन हो जाएगा, उससे आपकी पढ़ाई में नुकसान हो सकता है। आप कर इतना भले सकते हैं, अगर आपको आपको लगता है पोस्टपोन होना जरूरी, तो आप ट्वीट कर सकते हैं, काफी चीजें आप कर सकते हैं, वो आप करें। बट मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ाई करना बिल्कुल भी मत करना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना बिल्कुल भी मत बंद करना, क्योंकि अगर पोस्टपोन ना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। और मेरा जैसा लग रहा है मुझे कि एग्जाम तो नहीं पोस्टपोन होगा, जैसा वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर भी हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। और दूसरी बात ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिकवरी रेट भी अब इंडिया में ठीक हो रहा है और स्कूल भी, कई स्टेट में स्कूल भी अब खुलने जा रहे हैं। अब बताइए स्कूल खुलने जा रहे हैं तो आपका गेट एग्जाम वो कैसे पोस्टपोन करेंगे, सोचने वाली बात है। जब वो IIT जैम का एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं तो गेट का एग्जाम कैसे पोस्टपोन कर देंगे वो, ठीक है। तो
अगर आपको लगता है एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय लिखें और ट्विटर पर भी करें पोस्टपोन। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी पढ़ाई करना बिल्कुल भी मत बंद करिएगा, बिल्कुल भी मत बंद करिएगा। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और तेजी से जारी रखें, बिल्कुल भी दिमाग में ऐसा कुछ भी ना रखें और जो होगा वो देखा जाएगा। हम लोग लगातार आईटी खड़गपुर से बात भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, जैसे वहां से कोई रिस्पांस आता है हम आप लोगों को जल्द से जल्द बताएंगे। प्लीज हमारे चैनल कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।